हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस 1111। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, देखते देखते सितंबर का महीना आ गया और रीडिंग भी करनी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी की रीडिंग कर दूँ, हर एक एलिमेंट की, हर एक साइन की, और बता दूँ कि क्या एनर्जी और मैसेजेस जो है यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं फॉर दिस अपकमिंग मंथ। क्या है जिस चीज़ को लेकर आपको ध्यान देना है? कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसका आउटकम क्या हो सकता है? अगर आप किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग अगर शादी का वेट कर रहे हैं, ऐसे कई तरीके के सवाल हो सकते हैं हमारे मन में। इन सभी को लेकर कुछ ना कुछ डाउट्स हमारे मन में रहते हैं। तो अगर वो आपकी रीडिंग में आता है तो येस, दिस इज़ योर रीडिंग। रीडिंग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बताना चाहूंगी, गाइस, जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना आप रख सकते हैं, बाकी जाने दे सकते हैं। टाइमलेस है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुंचे तो आप रीडिंग देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। तो आज सबसे पहले रीडिंग जो है वो मैं शुरू करना चाहूंगी फायर साइन से, यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस से, और देखना चाहूंगी कि उनके लिए कैसा रहने वाला है ये सितंबर 2023, राइट? चलिए बिना देर के शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आपके लिए मैसेजेस। ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सन मून राइजिंग के हिसाब से देख सकते हैं। कुछ लोग अगर नाम के हिसाब से राशि देखते हैं, उस हिसाब से आप ये रीडिंग देख सकते हैं। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि के जातकों के लिए ये रीडिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है ब्लॉसमिंग अबंडेंस का, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल स्टार्ट। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ब्यूटीफुल। एंजल ऑफ बैलेंस, ओके। ओके, एप्रिसिएशन, ब्यूटिफुल। और यहां बॉटम से आया है आपके लिए कॉर्निकोपिया। क्या बात है, क्या बात है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। वो नंबर हो सकते हैं नंबर 3, नंबर 15, नंबर 12, नंबर 48 एंड नंबर 6। ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं आपकी जिंदगी में। चलिए अब हम फटाफट टैरो भी निकाल लेते हैं, इसमें हमें ओवरऑल एनर्जी मिलेगी आपकी। मैं इस बार अलग से नहीं देख रही, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में देख रही, ओवरऑल एनर्जी क्या बात कर रही है, किस चीज पर आपको फोकस रहना है इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। ओके फायर साइन, लेट्स सी। पहला कार्ड आया है 8 ऑफ सोर्ड्स का, ओके। We have 6 of Swords, okay. Okay. We have 9 of Pentacles, beautiful. Eight of Pentacles. बहुत अच्छा। क्वीन ऑफ कप्स, द लवर्स, थ्री ऑफ कप्स। थोड़ा सा मैं कैमरा को एडजस्ट करना चाहती हूँ गाइस, आई होप अब कार्ड्स आपको विजिबल है। राइट, एक और कार्ड मुझे चाहिए, फाइनल कार्ड हमारा, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स हियर, ओके। बॉटम से आया है आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ऑलराइट, तो क्या है आपकी एनर्जी ओवरऑल इन द मंथ ऑफ
सितंबर देखिए, सबसे पहले अगर आपकी एनर्जी ऐसी रही है इन दी मंथ ऑफ अगस्त या उसके पहले के महीनों में कि आपने हमेशा सेल्फ डाउट किया है, अपने आप के ऊपर डाउट किया, आपको हमेशा लगा है कि आप गलत हैं या फिर आपके साथ ही गलत होता है, आपको धोखा मिलता है, तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल आपका है, क्योंकि आपने जिस चीज को अट्रैक्ट किया है वही आपकी लाइफ में आया है। और इतना करते करते साल के इतने महीने जाते जाते अब जाकर आपको ये चीज समझ में आई है कि मैं जो भी एनर्जी यूनिवर्स को दूंगी या दूंगा उसी का आउटकम मेरी लाइफ में आएगा, अब जाकर आपको समझ में आया। तो ये काफी पॉजिटिव चीज है आपके लिए, क्योंकि सबसे पहला ही कार्ड आया है एट ऑफ सोर्ड्स का। यहाँ पर बात दूसरी जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लाइफ में हार्ट ब्रेक हो सकते हुए हैं, मल्टीपल टाइम्स हुए हैं, हो सकता है कि आपका डिवोर्स हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है आप सेपरेटेड चल रहे हैं, आपकी शादी अच्छी नहीं चली हो, उसके बाद भी आपका शादी फिर सेपरेशन, उसके बाद भी आपने किसी को पसंद किया, प्यार किया, उस पर्सन का कंसिस्टेंसी नहीं रहना आपके लाइफ में, उनके भी मन में धोखा देने की एक जो टेंडेंसी होती है लोगों की, ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना, तो ऐसी कई सारी चीजें आपने अपने लाइफ में देखे, मल्टीपल हार्ट ब्रेक्स, आपकी फैमिली के साथ भी आपकी जो बॉन्डिंग है वो खास नहीं बनती, कुछ ना कुछ लेकर बहस होती रहती है या फिर तनाव होते रहते हैं। तो आपके लिए जो है सितंबर का मंथ बहुत ही खास है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप अपनी एनर्जी को क्लेम कर पा रहे, आप एक अलाइनमेंट में आ रहे हैं। अगर आप इस सीरीज को देखते हैं तो इसमें एट ऑफ सोर्ड से कार्ड स्टार्ट हुआ है, जिसको हम सेल्फ डाउट की एनर्जी कहते हैं, या फिर जब हम किसी चीज को समझ नहीं पाते, खुद को डाउट करने लगते हैं, से आपकी जर्नी बढ़कर एट ऑफ पेंटिकल्स पे आई है, यानी कि आपको अपने मेहनत, अपने लगन पर पूरा विश्वास है, आप एक अलाइनमेंट में आ रहे हो। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो क्वीन ऑफ कप्स से जर्नी थ्री ऑफ सोर्ड्स में गई है, तो अगर थ्री ऑफ सोर्ड्स को अगर हम अदर वे में देखें तो ये कहीं ना कहीं तीन सोर्स की बात करता है, माइंड बॉडी स्पिरिट, तो आप कहीं ना कहीं अलाइनमेंट पे आते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपके लिए सबसे पहला न्यूज जो है वो ऐसे ओरेकल से भी आया था कि आपके लाइफ में आ रहा है बैलेंस। अगर आपका पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ थोड़ा सा डामाडोल चल रहा था, बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, सेप्टेम्बर के बाद से आपका पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ बैलेंस होगा, आपके काम की सराहना होगी। हो सकता है आप मल्टीपल काम करते हो, मान लीजिए आप प्रोफेशनली मान लीजिए एक डॉक्टर हैं, एक कुछ टीचर हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए आप किसी कंपनी के अंडर काम कर रहे हैं, आप आईटी हो सकते हैं, इसके अलावा आप अपने पैशन को भी जो है लेकर आगे बढ़े, यानी कि अपनी पैशन को भी फॉलो करते हुए उस पर भी काम करते हुए आप नजर आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। ट्रैवल भी आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आपकी छोटे मोटे ट्रैवल हो इन दी मंथ ऑफ सितंबर, कहीं जाना, विश फुलफिलमेंट हो सकता है आपके फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियली मैं देख पा रही हूँ कि आपका विश फुलफिल हो सकता है। अब तक हो सकता है कि आपका सेविंग्स नहीं हो रहा हो, आप पैसे नहीं सेव कर पा रहे हो, कंस्ट्रक्टिव वे में आपका जो पैसा है जो भी आप अर्न करते वो नहीं हो पा रहा था, अब जाकर आप देख पाएंगे कि वो भी धीरे धीरे होने लगेगा। आप सेलिब्रेट भी करते हुए नजर आ रहे हैं, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है जो काफी समय से क्लोज था। इसके साथ साथ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मैसेज है, सभी के लिए नहीं है, कि आप अपने ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपका ट्विन फ्लेम कहीं ना कहीं आपके और अगर आपसे एक डिस्टेंस हो गया था, अगर आप उन्हें जानते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आपको किसी जर्नी में पुश करने के लिए आ रहे हैं। हमेशा हम ऐसा जरूरी नहीं होता कि ये जो ट्विन फ्लेम होते हैं ये आपके लाइफ में जन्म जन्म के साथी के लिए होते हैं, कभी कभी जब हम किसी स्टेज से निकल नहीं पाते या फिर स्टक हो जाते हैं ना, तो यूनिवर्स ने कुछ चीजें बनाई हैं, जैसे कि ट्विन फ्लेम, जैसे कि कार्मिक ट्विन फ्लेम या सोलमेट, ये इसलिए बनाई है ताकि हमें एक ट्रिगर कर सके, हमें पुश कर सके। तो हमेशा जो ट्विन फ्लेम की एनर्जी होती है ना, ये रिपेल करती है, ठीक है, मतलब अगर आप जिद्दी है तो वो आपसे भी ज्यादा जिद्दी होंगे, अगर आप आलसी हैं तो वो आपसे भी ज्यादा आलसी होंगे, अगर आपको हर चीज बहुत ही प्रॉपर चाहिए तो वो उससे भी डबल होंगे,
मतलब कोई भी चीज आप ही की चीज को आप ही को ट्रिगर करना, तो ऐसे लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे एक पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं जिनके वजह से आपका जो रुका हुआ काम था वो बनता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि मैंने बताया, अबंडेंस का कार्ड दो दो बार आपके लिए आया है, क्योंकि ब्लॉसमिंग अबंडेंस के साथ हमारे पास यहाँ पे कॉर्नकॉपिया भी है। तो यस, काफी सारी विश फुलफिलमेंट, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। किसी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते थे वो हो रहा है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई इश्यू चल रहे थे वो रिजॉल्व होने वाला है। तो ओवरऑल एनर्जी आपके लिए फायर साइन बहुत ही खूबसूरत है। अपने पैशन पर काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं और आप सेलिब्रेट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा मतलब नहीं है कि जिसको देखकर मैं बोलूं कि नहीं, आपको इस चीज के लिए सोचना चाहिए। नहीं, आपने अपने आप के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। अगस्त का महीना जो है आपके लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रहा है। अगस्त के महीने ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ। तो उसका बस अब आप आउटकम देख रहे हैं। आपके लिए कार्ड आया है वेट। ओके, मैं एक और कार्ड लेना चाहूंगी, मदर यूनिवर्स एज अ गाइडेंस, लुक फॉर अ साइन। ओके, तो यूनिवर्स आपको कहना चाहती है, ओ माय गॉड, एक और बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए। वो है इम्प्रूविंग हेल्थ, यानी कि आपका हेल्थ भी जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, अगर आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है। तो आपको वेट इसलिए बोला गया है कि ये जो आपने अब तक स्ट्रगल किया है, तो अभी हार मत जाइए कि ओके, मैंने स्ट्रगल कर लिया, इसका कोई आउटकम नहीं मिला, अब तो मैं छोड़ देता हूँ सब कुछ। नहीं, यूनिवर्स कह रही है थोड़ा और वेट कर लीजिए। यूनिवर्स आपको साइन दे रही है कि यस, अब जो आपके लाइफ में आने वाला कल है वो आपके लाइफ में बैलेंस, एप्रिसिएशन और अबंडेंस लेकर आने वाला है, प्रॉस्पैरिटी लेकर आने वाला है। हर वो चीज जिसके लिए आपने मेहनत करी है उसका रिजल्ट लाने वाला है आपकी जिंदगी में। हेल्थ रिलेटेड अगर आपको इश्यू रहे हैं, बहुत लंबे समय से चलते हैं, तो उसका फाइनल सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो काफी अच्छा समय है आपके लिए फायर साइन, और ये मंथ आपके लिए प्रॉस्पैरिटी से भरा हुआ है, बैलेंसिंग से भरा हुआ है, ट्रैवल से भरा हुआ है, विश फुलफिलमेंट से भरा हुआ है। हर चक्रा ओपन हो रहा है, फिनेंशियली अच्छा कर रहे हो, पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ में आप बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हो। ऑलराइट, तो फायर साइन ये थी आपकी रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर, बाय बाय।